गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे कैलिपर चेकर, हाउ टू चेक द कैलिपर चेकर। तो उसके लिए हमारे पास ये कैलिपर चेकर है जिसकी रेंज है 0 से 600 एमएम की। ठीक है, ये हमारे पास सीएमएम है। सीएमएम इसका मॉडल नंबर है कॉन्टूरस G2, जाइज की मशीन है। इस पर हम चेक करेंगे कैलिपर चेकर। कैलिपर चेकर को टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लेन्स में ऑपरेट करने पड़ेंगे। प्लेन्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तो पहले हमें प्लेन हम बनाएंगे ऊपर, एक प्लेन बनाएंगे ऊपर, एक प्लेन बनाएंगे हम साइड में और एक प्लेन बनाएंगे हम इस साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ। प्लेन क्रिएट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने ये लिया फर्स्ट पॉइंट, विद हेल्प ऑफ 4 पॉइंट्स मैं ये प्लेन क्रिएट करूंगा। ये थर्ड पॉइंट, ये मेरा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट में एक प्लेन में क्रिएट हो गया। उसके बाद इसके अपोजिट साइड पे मैं एक प्लेन और क्रिएट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट, इधर थर्ड पॉइंट, ये मेरा फोर्थ पॉइंट। चार पॉइंट से मैंने 2 प्लेन बना लिए। अब थर्ड जो प्लेन बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसके फ्रंट पे। फ्रंट के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, मैंने ये तीन मैंने प्लेन्स क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद अब सिस्टम पे आते हैं। सिस्टम पे आने पे हमें पहले हम जाएंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है कैलिप्सो, इसमें हम ओपन करेंगे मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम बेस स्टार्ट अलाइनमेंट पे, इसको क्लिक किया हमने। फिर ये हमारा आ रहा है क्रिएट न्यू बेस अलाइनमेंट, इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद जो सबसे पहला आ रहा है हमारा है स्पेशल रोटेशन, हमने ये क्लिक किया। इसमें हमने दिया प्लेन नंबर 1 जो हमने टॉप पे बनाया था। फिर इस प्लेन रोटेशन में हम देंगे साइड का एक्स एक्स वाला प्लेन नंबर 2, ये प्लेन नंबर 2 हमारा क्लिक हो गया। और ओरिजिन हमारा एक्स वाई जेड में, जहाँ से हमें ओरिजिन लेना है, तो हमने इसको प्लेन नंबर 3 दिया। वाई पे हमने प्लेन नंबर 3 दिया और जेड पे भी हमने प्लेन नंबर 3 दिया। उसके बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा इधर ये प्लेन क्रिएट हो गया है, जो उसका हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है x0 y0 z0, जो कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे x0 y0 z0। ठीक है, तो अब जो हम मेजरमेंट लेंगे वो इसको रेफरेंस लेते हुए लेंगे। ठीक है, अब दोबारा मशीन पे चलते हैं। मशीन पे आते हैं, तो पहले मैं टेस्ट करूंगा 20 mm पे। 20 mm पे मैंने चेक किया इसको, 20 पे मैंने एक पॉइंट लिया। उसके बाद 100 पे मैंने एक पॉइंट लिया। उसके बाद 300 पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं 500 पे। और लास्ट लिम में ले रहा हूं 600 पे, क्योंकि ये हमारे जो कैलिपर चेकर है वो 0 से 600 mm तक का है। ठीक है, मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए, 20 mm पे, 100 mm पे, 400 mm पे और 600 mm पे। अब दोबारा हम सिस्टम पर आते हैं।
सिस्टम पे चेक करने के लिए मैं जाऊंगा साइज में डिस्टेंस में कार्टिजन पे क्लिक किया मैंने, इसको डबल क्लिक किया, फीचर में मैंने डबल क्लिक किया, प्लेन नंबर 3 जो मेरा 00 था फीचर 1 पे और फीचर 2 पे मेरा पॉइंट नंबर 1। तो एक देख पा रहे हैं कि जो 20 mm की मेरी लेंथ थी उसका आ रहा है 20.002। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर में जो हमें गिवन है, जो हमारा गिवन है वो हम ये डाल देंगे 20। अगर हमारे पास कोई अपर टॉलरेंस लोअर टॉलरेंस है तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। ओके करते हैं, तो ये हमारा रेंज में आ गया। अगेन मैं जाऊँगा साइज में डिस्टेंस में कार्टिजन कोऑर्डिनेट में, डबल क्लिक किया, फिर फीचर 1 पे किया, अगेन प्लेन नंबर 3 मैंने लिया जो मेरा 00 है और सेकंड पॉइंट नंबर 2 जो कि मेरा 100 mm पे था, डबल क्लिक किया। तो देखो इसकी हमारी एक्चुअल रेटिंग आ रही है 100.0025 जो कि इसकी टॉलरेंस 2 μm की इसमें आ रही है। इसको भी हमने नॉमिनल पे हमने 100 डाल दिया। उसके बाद अगेन साइज कार्टिजन को एक मैं 3 में और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, फीचर पे अगेन प्लेन 3 लिया और प्लेन नंबर 3 ना तीन सॉरी पॉइंट नंबर 3 लिया, ठीक है, नॉमिनल पे जो वैल्यू हमने वो पुटअप करी 300 mm की, ठीक है, और हमारी एक्चुअल आ गई हमारी 300.003। ओके, अगेन कटिंग जिसमें मैंने डबल क्लिक किया, फीचर पे अगेन प्लेन नंबर 3 लिया और पॉइंट नंबर फोर पे भी हमारी एक्चुअल आ रही है 500.004। नॉर्मल पे इसको ठीक कर लेते हैं 500, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा हमने जो दिया था 600 पे, डबल क्लिक किया मैंने, फीचर पे क्लिक किया, प्लेन नंबर 3, फीचर 2 में पॉइंट नंबर 5 जो कि हमारी आ रही है 600.005, ठीक है। उसके बाद सारे डायमेंशन मैंने चेक कर लिए, अब सभी उनका हमें रिजल्ट देखने के लिए हम जाएंगे व्यू में, व्यू के बाद जाएंगे हम कस्टम प्रिंट आउट। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि देखो 20 हमारा जो फर्स्ट वाला जो आ रहा है ये हमारा ये एक्चुअल है जो हमें मशीन ने दिया है, और ये हमारा नॉमिनल डायमीटर जो हमें गिवन है, और ये हमारा डेविएशन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले पे 0.002 आ रहा है, सेकंड पे 2 μm का, थर्ड पे 3 μm, 4 μm, 5 μm, ठीक है। तो ऐसे हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।